अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने, सॉरी केमिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने कुछ मतलब अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं और वो स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं हमारे डिपार्टमेंट में, ई ब्लॉक में, अलजार ब्लॉक में। तो वो आपको दिखाऊँगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। क्या थोड़ा आइडिया बताओ तो है क्या ये चीज़? ये बेसिकली जो है ना, बल्कि आप उनसे मुझे नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो किए हैं इन्होंने अपनी लैब में परफॉर्म। उसके जो फेस वॉश आ गया, उसके अलावा शैम्पू आ गया, और उसके अलावा आपके लोशन, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कौन सा है? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, तो वो अप्लाइड केमिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनकी एग्जीबिशन कर रहे हैं। अब बाकी मजीद आपको ये बता, क्या लिखना होता है दिन? चपले मार रहा हूँ। अच्छा, चपले मार। तो गाइस, ये केमिकल वाले हमारे इस डिपार्टमेंट में इन्होंने रेत है या कोई सैंड है, ये किसके साथ इसका मिक्स कर दिया आपने? रेत किस
चीज इफेक्ट नहीं करती। रेत अगर हम निकाल भी देंगे तब भी ये ग्रीन नहीं चल रहा है, लेकिन ग्रीन इस वजह से चल रहा है कि एक मिक्सचर है ट्राई मिथाइल बोरिक। अब वो मिक्सचर ऐसे बनता है कि हम बोरिक एसिड को ऐड करते हैं मेथनॉल के अंदर, तो वो ट्राई मिथाइल बोरेट बनता है। अब जो ट्राई मिथाइल बोरेट है ना, जब उसको हम ऐड करते हैं इसके अंदर भी ऐड करते हैं कि आप किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करते हैं। अब ये बताएं इसकी फिजिकल एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है? फिजिकल एप्लीकेशन जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे चले जाते हैं तो वहाँ ऐसी एप्लीकेशन बताएं जो काम हो। गाइस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं पेपर्स कब होने हैं, पेपर्स कब होने हैं। तो अभी तक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो अभी डेट्स आई हैं, मतलब फाइनल एग्जाम्स हमारे होने हैं। पीछे 2 वीक्स रह गए हैं, ये हमारा 3रा वीक जा रहा है और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 2 वीक्स रह जाएंगे, 2 वीक्स के बाद आप सबके और हमारे फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। जो डेट्स हमें मिली हैं वो 13 मार्च की मिली हैं, 13 मार्च से आपके पेपर्स और हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी तक कंफर्म डेट्स यही हैं कि 13 मार्च तक स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन एक और बात करनी थी, मे भी चेंज वगैरह हो जाए डेट्स, तो मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता। लेकिन अभी तक जो आइडिया हमें है उसके हिसाब से 13 मार्च को हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। आप सब भी तैयारी करें, एग्ज़ाम्स अच्छे दें, अच्छे नंबर्स लें, और हम भी करते हैं तैयारी और एग्ज़ाम भी। और सेकेंड 2 वीक्स पीछे रह गए तो 2 वीक्स में अच्छी अच्छी तैयारी करें और एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबर्स लें। तो ये बात क्लियर करनी थी क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा आ रहे थे, मैंने बोला कि वीडियो में आपको क्लियर बता दूं कि पेपर्स कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो 13 मार्च को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के फाइनल एग्ज़ाम्स। बंद कर छाड़ा बंद। आयशा को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये आयशा वो टोर 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 से एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, छोटी छोटी आंखें, बड़ा बड़ा मुंह, बड़े बड़े होंठ, पीला पीला ड्रेस। एक लड़के से वो बहुत मोहब्बत करती थी। किससे? लड़के से। अच्छा, एक लड़के का नाम एफ से शुरू होता है। किधर से? एफ से। यू से नहीं शुरू होता, ई के बाद एफ आता है ना, एफ से शुरू होता है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी उससे। आखिरकार लड़का ने उस पर मतलब रिस्पांस नहीं किया उसको, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उस पर, बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी केयरिंग करती थी, वो जहाँ से गुजरता था उसको देखती रहती थी। और हमारी क्लास एक लैब की क्लास लेके आ चुके हैं, तो 5 बजे जा रहे हैं आज घर। 5 बजे जाने की मतलब खुशी अलग ही टाइप की होती है, 5 बजे बंदा घर जाए, नहीं तो 8 बजे जाए, 8 बजे लाइक अंधेरा ही हो गया होता है, तो टाइम भी नहीं होता। तो 5 बजे ही आज जाएंगे, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। यार ये मेरे ना 4K सब्सक्राइबर जल्दी नहीं करवा रहे, मैंने 5K भी करने हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं आपको, चैनल को प्रमोट भी करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।